बहुत ज्यादा खराब हो गई थी शाह जी। मतलब आईसीयू में लेके गई थी मैं, तो डॉक्टर्स ने बोला था सिर्फ 72 आवर्स तक हम कुछ बोल नहीं सकते। वैसे ही मैंने ग्रुप में मैसेज किया तो फौरन एडमिन ने मुझे कनेक्ट किया, अपना गुलाबचंद बाजी ने बात किया, फिर सिस्टर जायरा से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला बिल्कुल आप, मैं रो रही थी शाह साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी परेशान थी। फिर सिस्टर जारा ने बोला आप बिल्कुल रोइए मत, परेशान मत होइए, मैं ये वजीफा दे रही हूँ, आप इसको अभी शुरू करिए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, और हिम्मत रखिए आप, और यकीन रखिए आपके बस आपका होगा, और बुरा बिल्कुल गलत मत सोचिए, आप अच्छा ही सोचिए कि बहन आपकी वापस आएगी, कुछ नहीं होगा, हमको उसको वापस लाना है किसी भी हाल में। मुझे इतनी हिम्मत आई शाह साहब, मैं आपको क्या बोलूं, मतलब फोन जैसा रखी ना, मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी अपने ने मतलब हक करके मुझे बोला कि कुछ नहीं होगा तुम्हारी बहन को, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है शाह साहब, मेरी बहन सही सलामत घर वापस आ गई, 2 दिन के बाद तो आईसीयू से भी निकल गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी फॉलो अप था डॉक्टर का, सारे रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है शाह साहब, मम्मी बहुत खुश है साहब, आपको इतने दिल से दुआएं दे रहे सिस्टर जायरा, जितनी भी अपनी एडमिन बाजी लोग हैं, मुझे मतलब उस टाइम पर ना मैं बोल रही हूँ आपको, कोई अगर रिलेटिव भी मेरा होता ना कुछ, मुझे 1 सेकंड के अंदर कोई रिप्लाई नहीं, 1 सेकंड में मैं फोन पे ऐसा मैंने मैसेज डाला और वैसे मुझे कॉल आया, और अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब आज बहन सही सलामत घर वापस आई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपका बहुत अल्लाह बड़ा ताला एहसान सलामत है रखे उनको, बस सिस्टर ध्यान जायरा। रखे। और मैं एक बात बता दूं कि क्या कहते हैं, मैं अपने ख़ानदान की बता सकता हूं, मेरे अब्बा की, दादा की, कमाल भाई की, मेरी, मैं अपने जी ख़ानदान की बताता हूं, बाकी मैं नहीं कह सकता। चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होने को तैयार हो तो हम आपके साथ खड़े जी होते हैं, ये बात याद रखो, ये बड़े रम्ज़ वाली बात है। बिल्कुल।